हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, लगातार नहीं डाल पा रही हूँ। डियर, आप लोग सब भली भांति वाकिफ़ होंगे मेरी स्थिति से। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर और जो मेरे चाहने वाले हैं उनको पता होगा मैं रोज़ क्यों नहीं डाल पा रही हूँ। तो आज जो है ये है मंगलवार का दिन और ये बनाने जा रही थी पालक पनीर और इसमें शुरू कर दिया था सारा काम, लेकिन बनाते बनाते ही आधा बना ही था और वो आ गए ऑफिस से। उसके बाद देखिएगा क्या होता है। सब्ज़ी तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यहाँ पर दोनों ही मिलके बनाते हैं, कभी मैं बनाती हूँ कभी मम्मी। तो इधर जो है ये आप देख रहे होंगे मैंने सब कुछ डाल दिया था इसमें। सोचा था ये रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि ये इतना टेस्टी बना था। बनाने के बाद वॉइस ओवर किया जाता है तो स्वाभाविक है कि पहले लोग खाएगा। खाया था, इतना टेस्टी बना था तो सोचा था पूरा इसको आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बनाते बनाते ही इतना बड़ा फेरा लग गया, इतना बड़ा चक्कर लग गया कि ये पूरा मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई। तो इधर मैं सब्जी की तैयारी में लगी थी क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, लगभग 8 बज गए थे। तो पनीर वगैरह की सब्ज़ी थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग बैठ के बातचीत करने लगे, थोड़ा तबीयत डाउन हो गई तो यहाँ पर उसको सब्ज़ी को चढ़ा दिया था। तब तक ये ऑफिस से आ गए, कुछ सामान लेके आए। बाबू यहीं हॉल में ही बैठ के पढ़ रहा था और मम्मी जो मलाई मैंने निकाला था उसका दाढ़ी निकाली थी, जो मतलब दाढ़ी को खरच रही है उससे घी निकाल के, और ये ऑफिस से आए हैं। तो कुछ सामान था, बाबू को मैंने कहा कि आप रख दीजिए तो मैं फ्रिज से इसको एक टुकड़ी निकाल कर दे दूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ चलते फिरते रहूँ, बैठी नहीं रहूँ। जितना मेरे से संभव होता है मैं उतना करती हूँ, जब बिल्कुल ही नहीं कर पाती हूँ तभी लेटती हूँ। और मुझे ये एहसास होता है कि लेटने से ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, इसीलिए तो यहाँ पर मैं टोकरी निकाल रही हूँ और टोकरी में बाबू को दूंगी सामान निकालने के लिए। और इनका जो कपड़ा आ गया था प्रेस करके, ये प्रेस उतना कर नहीं पाते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली, मैं ही करती थी आप लोग जैसा जानते हैं। तो अब वो भी मैं उठा कर नहीं रख पाई। तो अब ये सारा कपड़ा रखेंगे और उसके बाद इनके सर में इतना दर्द तेज शुरू, ये जो अंदर घुसे हैं सर में ही दर्द था। और ये कुछ दाल वगैरह है तो ये अपना कपड़ा रखेंगे और जो कल पहन के जाएंगे उसको अलग कर देंगे। बाबू को मैंने कहा इसमें सामान रख लो, इसी तरह से मिला जुला के सारा काम, क्योंकि मुझे एकदम पूरा फ्रेश होकर काम करने की आदत है और मैं ही इस तरह से अटक गई हूँ। तो इसी तरह से चल रहा है, देखिए अब कब मेरा कल्याण होता है। तो इस तरह से ये अपना कपड़ा खुद रखने जा रहे हैं। मैं अब यहाँ पर चेयर पर बैठ गई हूँ इस समय तक। मुझे पता नहीं था कितनी सर में तेज दर्द हो गई है, लेकिन दर्द हो गया है। लेकिन उसके बाद जब देखें ड्रेस वगैरह चेंज करके सीधा लाइट ऑफ करके और सो गए, तब फिर हम उस रूम में गए तो इसके आगे वीडियो नहीं रेसिपी का शेयर कर पाए ना बना पाए। हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं तो पता चल ही रहा है स्थिति को देख के, तो रात में बस पनीर पालक बना ही रही थी और इतना टेस्टी बना था, लेकिन फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बस बना ही रही थी, बनाते बनाते वो आए जैसा कि आप लोगों ने देखा, और उसके बाद फिर इतना सर में दर्द हो गया, इतना दर्द हो गया कि बस मैं कभी जाती थी पनीर डाल देती थी, कभी मम्मी उसमें कुछ डाल देती थी, तुरंत मैंने बंद किया और सर में तेल दिया, विक्स दिया। उसके बाद वो पालक पनीर और पूड़ी बनाने का मन था, लेकिन वो बोले मैं खाऊंगा ही नहीं, अब इस तरह बहुत बुरा लगता है कि आप बनाइए और वो खाएंगे नहीं। बहुत मालिश किया मैंने और तेल जो था, मेरे पिताजी तेल लाए थे ठंडा तेल, वो मुझे महक भी रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से मालिश वहाँ पर बैठ के किया। फिर मैंने कहा बर्फ़ से मैं सर धो देती हूँ, करते करते फिर बहुत देर बाद जाके उनके सर का दर्द कमा। फिर वो बोले अब मैं खाऊंगा, तो फिर
पूड़ी तली और पूड़ी पालक पनीर इतना टेस्टी बना था, इतना अच्छा बना था। मैंने सोचा था मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, जब मैं बना रही थी मैं देख रही थी कैसा बनता है, लेकिन इतना टेस्टी बना था कि मैंने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद फिर खा के हम लोग सब सो गए। अभी तो बालकनी में बैठे हैं, थोड़ा सुबह के टाइम या शाम के टाइम बालकनी में आके बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर खाना पीना खा के सुबह उठे। तो आम के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, फिर पिताजी आम तोड़वा कर लाए बगीचे से कि हम लोग खाएंगे। और 12 मई के बाद जैसा कि सुनने में आता है, सुनते हैं 12 मई के बाद बम्बई आम टूटने लगता है। 15 मई को मेरे पिताजी तोड़वाएँ लेकर आए। अब क्या कारण था आप लोगों ने देखा भी, मैंने खुद आम को निकाला, उसको मैंने पेपर पे लगाया एक एक करके, उसके बावजूद भी आम सारे के सारे सड़ गए। मतलब कुछ सड़ा कुछ पका, मतलब जिस तरह फ्रेश आम होना चाहिए, आम का जो छिलका होता है, जो स्किन होता है, पूरा एकदम टाइट होना चाहिए, उस तरह से हुआ नहीं। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, कुछ आम पका कुछ आम सड़ गया, मतलब रोना आ गया आम को देख के। और गैस के बारे में भी बोले कि गैस देंगे तो आम पकेगा, इनको कहीं मिला नहीं, मेरे हस्बैंड को अच्छा लेते आएंगे इस तरह करके। उनको तो लगा कि अब तो आम सारा बर्बाद ही हो गया, और ना ही कच्चे आम का उपयोग कर पाए मैं, कच्चे आम का कुछ बना पाई। ये मन में था कच्चा आम है, थोड़ा सा 4-5 किलो आम छील के उसका कतरा टाइप का बना दूंगी। लेकिन मम्मी आई तो मम्मी को किचन से ही फुर्सत नहीं मिल रहा था। सुबह उठती थी बाबू के टिफिन के लिए, क्योंकि लास्ट डे अभी आज जैसे 24 मई है तो बाबू का स्कूल सैटरडे को बंद हुआ पढ़ा करके। जब तक मम्मी फ्री होती तब तक तो आम सड़ ही गया, ना कच्चे आम का उपयोग हो पाया ना पक्के आम का। बहुत रोना आया आम को देख के। तो चलिए अभी पहले आप लोगों को आम दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आम सड़ गए सारे आम, सारा मेहनत मेरा बेकार हो गया। ये सड़ा आम है, ज़्यादा झुक कर तो नहीं दिखा पाऊँगी, ये डलिया में अध पका सा आम है और ये थोड़ा सा पका आम है। तो इस तरह से आम पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कुछ आम का हो नहीं पाया। अगर आप लोग शुरू से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पिछले साल का देखिएगा, मेरे हस्बैंड इतना सुंदर आम लाए थे और मैंने उसको पेपर पर लगाया था, इतना आम अच्छा पका था, इतना खाया था। वही सोचकर इस बार भी मैंने सोचा कि उसी तरह पकेगा। एक तो मैं उतना देर बैठ कर नहीं पा रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत किया, लेकिन मेरा सारा मेहनत बेकार चला गया। और अब तो ये जाने वाले भी हैं, बोले हैं कि जाएंगे, लेकिन इस बार चूँकि आम पूरी तरह से झड़ गया है आंधी तूफान के कारण, तो पता नहीं आम लाएंगे या नहीं लाएंगे। और 15 तारीख को जैसे पिताजी आम तोड़वा के लाएँ, तो 20-22 तारीख को बहुत तेज़ आंधी के कारण सारा आम ऐसे भी टूट के गिर ही गया, बर्बाद ही हो गया। तो आम की बर्बादी तो खूब हुई, मेरा सारा मेहनत बेकार गया। तो ये ब्लॉग तो बिल्कुल आधा अधूरा रहा, लेकिन आप लोगों से बात नहीं करती हूँ, मन नहीं लगता है डियर। और चूँकि कैमरा सेट करना या एडिट करना कुछ भी करना ये मेरा काम है, मैं करूँगी, मम्मी को तो आता नहीं है। और मेरी स्थिति कभी ऐसी हो जाती है, कभी ऐसी हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग को बताऊँगी, अब समय तो बहुत तेज़ी से भागते जा रहा है, देखते हैं कब क्या होता है। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल पर बने रहिएगा, और जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलूँगी मैं आपके अपने अगले ब्लॉग में, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगता है डियर। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।